हेलो क्लास सिक्स बेटा, आज है 24 अगस्त 2021 और आज हमारी साइंस की जो वर्कशीट नंबर 14 है वो हम करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में सबसे पहले आपको जो है अपना नेम लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, इसमें आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ टीचर, यहाँ आपको अपनी टीचर का नेम जो है लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वर्कशीट का टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि हम पहले ही वर्कशीट में करते आ रहे हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं, फूड जो भी हम खाते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, उन न्यूट्रिशंस की क्या काम होते हैं हमारी बॉडी में, वो कैसे हेल्प करते हैं, उन सभी को हम बोल देते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। और वो हमें कौन से खाने से मिलते हैं, किस खाने से कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, ये सभी जो है हम इस चैप्टर में जो है स्टडी कर रहे हैं, जो भी वर्कशीट आ रही है उसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है बेटा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे खाने के दो कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा आएगा वो आएगा रफेज। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि रफेज क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम जो हमारा ये लेफ्ट साइड में है ना पैराग्राफ, इसको हम पढ़ते हैं, व्हाट आर रफेज, ठीक है। यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, इट इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन आर फूड। ये हमारे खाने में जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं उनको हम रफेज बोलते हैं। देखिए जितने भी हम रॉ फूड खा सकते हैं ना, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स हैं, रॉ फ्रूट्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, रॉ का मतलब होता है जिनको हम कुक करके नहीं खाते हैं, पका कर नहीं खाते हैं। जैसे फ्रूट्स को हम पका कर नहीं खाते ना, हम जस्ट मार्केट से लाते हैं, उनको वॉश करते हैं और एज इट इज़ खा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रॉ फूड। ऐसे ही कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम पका कर नहीं खाते, हम कच्चा भी खा सकते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, सैलेड, सलाद बोलते हैं हम। तो आप देखिए सलाद में आप कौन कौन सी वेजिटेबल्स जो हैं वो खा सकते हैं, वो सारे आपके रॉ फूड हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट सोचिए फिर हम डिस्कस करते हैं। सो कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी कैरेट है, ऑनियन है, टमाटो हैं, ये सभी हमारी सैलेड में यूज़ होने वाली जो है वेजिटेबल्स हैं। तो ये सभी जो रॉ फूड हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सभी से हमें जो है क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, ठीक है। अब फाइबर जो है वो क्या होता है, उसका हमारे खाने में क्या यूज़ होता है, क्या बेनिफिट होता है, तो बेटे जो यहाँ से सेकंड लाइन देखेंगे, ठीक है, सेकंड लाइन देखिए, इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आर बॉडी। जो फाइबर होते हैं, रफेज होते हैं, वो हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने में, एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम डाइजेशन प्रोसेस जो हमने स्टडी किया हुआ है उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो होता क्या है, हम खाना खाते हैं कहाँ से, अपने माउथ से हम खाना खाते हैं। जब आप माउथ से खाना खाते हैं वो फिर हमारे फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, और फिर इसमें डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्टिव जूसेस खाने में मिलते हैं और उसमें से न्यूट्रिशंस जितने भी होते हैं उनको जो है अलग कर देते हैं, और वो न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में मिलते हैं, सारे बॉडी पार्ट में चले जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी जो है उन न्यूट्रिशन से हेल्दी हो जाती है, ठीक है। अब जो फूड ऐसा होता है, सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, कुछ फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड जो है बच जाता है, मतलब जो हमें हजम नहीं हुआ है या वेस्ट की तरह बच जाता है, उसका क्या होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर जो है स्टूल की फॉर्म में पास आउट हो जाता है, यूरिन की फॉर्म में हो जाता है, स्टूल की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है जो बच जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है कौन हेल्प करता है हमारी बॉडी को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने में, उसमें बेटा रफेज एंड फाइबर हेल्प करते हैं। देखो सभी का डाइजेशन सेम नहीं होता ना, किसी को खाना बहुत अच्छे से हजम हो जाता है लेकिन किसी को खाना हजम नहीं होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जिसको हम कब्ज़ बोलते हैं, कि बहुत टाइम तक आप, बहुत दिनों तक आप फ्रेश नहीं होते हो, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हमारी बॉडी से फूड इसका मतलब नहीं हो पा रहा है। तो
उस केस में क्या करना चाहिए, हमें खाने में बहुत ज़्यादा जो है रॉ फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाने चाहिए। वेजिटेबल्स जो कुक्ड होती हैं वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। उससे क्या होगा, जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगी और बॉडी से जो है स्टूल जो है, जो मल है, जो वेस्ट है, वो हमारी बॉडी से ईजली निकल जाएगा और हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यही इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो हम इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। देखो थर्ड लाइन से हम रीडिंग करेंगे यहाँ से, इट असिस्ट इन मूविंग ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक। भाई मैंने बताया डाइजेस्टिव ट्रैक मीन्स फूड पाइप से, स्टामक से, इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक इसे हम बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड है उसका मूवमेंट जो है वो होना भी तो ज़रूरी है ना, मतलब एक जगह पे अटक के ना रह जाए, एक पार्ट से दूसरे में मूव करता चला जाए और बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाए। तो उस मूवमेंट में जो है वो रफेज हमें हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ये मैंने आपको बताया ही है, जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको ठीक करने में ये जो है हेल्प करता है। यहाँ से देखिए, सम सोर्सेज मतलब जहाँ से हमें जो है रफेज मिलता है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो बेटा हमें मिलता है सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो मैंने आपको बता ही दिया, सीरियल्स क्या होते हैं, जो भी हम अनाज खाते हैं जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, इनसे भी हमें जो है खाने में क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आगे से आप क्या करेंगे, घर पर जैसे आप बोलते हैं ना, मुझे ये सब्ज़ी नहीं पसंद है, मुझे नहीं खाना है, ठीक है, या मुझे रोटी नहीं खानी है, मुझे बाहर का खाना है, फास्ट फूड खाना है, चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है, ब्रेड खाना है, ठीक है, तो इस तरीके की आप करते हो ना घर में, तो इस तरीके से आप मत कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी खाना है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अनाज, चपाती ही होती है, वो हमें ज़रूर खाना चाहिए, उससे हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो हमें जो बाहर का खाना है उसको थोड़ा कम करना चाहिए, घर के खाने को स्पेशली खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, इट हैज़ नो फूड वैल्यू बट इट्स प्रेजेंस इज़ असेंशियल इन आवर फूड। अब इसका मतलब क्या है, फूड वैल्यू क्या होता है, देखिए हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वो हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है, प्रोटीन हमें मिलता है जो मसल्स बनाने के काम आता है, विटामिंस मिलते हैं जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में, जैसे हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, ठीक है, वो हेल्दी रहें, अच्छे ग्रो करें, उसके लिए हेल्प करते हैं, टीथ के लिए, ठीक है, आइज़ के लिए, तो ये सभी न्यूट्रिशंस होते हैं, इन सभी की फूड वैल्यू है। फूड वैल्यू मतलब इनको खाने से कुछ ना कुछ बॉडी को बेनिफिट मिल रहा है। उसी तरीके से जो रफेज होता है ना, उसकी कोई प्रॉपर फूड वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी दे रहा है या मसल गेन में हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर भी रफेज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इन सभी न्यूट्रिशन से के इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अगर खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी को बाकी सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे कैसे, नहीं मिल पाएंगे ना। तो बाकी सारे न्यूट्रिशन मिल पाएँ इसलिए फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये हमारे क्या लिखा हुआ है, दैट इट्स प्रेजेंस इज असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे खाने में फाइबर का प्रेजेंट होना। ओके, ठीक है, तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वो पढ़ेंगे। देखो यहाँ पिक्चर में ना हमें दिखाया भी हुआ है, फूड कंटेनिंग रफेज, ऐसे कौन से फूड है जिनसे हमें रफेज मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो क्लियरली फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, रॉ फूड एंड रॉ वेजिटेबल्स, राइट। सो नेक्स्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वाटर। अब वाटर है, वाटर भी किसी न्यूट्रिशन में काउंट नहीं होता है, लेकिन वाटर फिर भी हमारी बॉडी के लिए एक न्यूट्रिशन की तरह ही हेल्पफुल होता है। क्यों हेल्पफुल होता है, चलिए हम रीडिंग करते हैं। इट हेल्प्स इन डिजॉल्विंग, डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग द फूड। जो खाना होता है, हम जो भी खाते हैं उसको डिजॉल्व,
मतलब पानी में कोई भी चीज़ जो है थोड़ा सा घुल जाती है तो उसकी हमारी बॉडी में मूवमेंट जो है ईजी हो जाती है। दो, हमें खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए स्ट्रिक्टली, लेकिन वैसे जो हमारी हम पानी पीते हैं उससे क्या होता है कि फूड की मूवमेंट में उसको डिसॉल्व करने में और डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए उसमें हेल्प करता है। एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एब्जॉर्बिंग का मतलब है आपने खाना खाया, मान लीजिए आपने सब्ज़ी खा ली, ठीक है, तो सब्ज़ी से हमें क्या मिलता है? विटामिन्स। अब वो विटामिन्स उस सब्ज़ी में से अच्छे तरीके से जो है हमारी बॉडी जो है सोख लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब निकाल लेती है और उन न्यूट्रिशन को, विटामिन्स को हमारे ब्लड में मिला देती है और ब्लड से वो बॉडी के सभी पार्ट में पहुँच जाता है, ठीक है। तो खाने से ब्लड में वो न्यूट्रिशन अलग करके मिला देना, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और वो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? वाटर हेल्प करता है। तो वाटर इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ये हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। किस फॉर्म में? स्वेट, या तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, पसीना आता है, या फिर यूरिन जो है हम पास आउट करते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या हैं? वेस्ट प्रोडक्ट हैं और पानी की हेल्प से जो बॉडी का वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि हमें डेली जो है बहुत जो है जितनी ज़रूरत है पानी पीने की, 8 से 10 ग्लास पानी हम बोलते हैं कम से कम हमें एक दिन में पीना चाहिए, वो हमें ज़रूर पीना चाहिए। अगर हम नहीं पिएंगे तो बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अगला देखो, इट फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ आर बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है ना उसका 70% तो वाटर ही है। तो अब आप देख लीजिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा पानी के क्या जो हैं यूजेज हैं? इट कीप्स आर स्किन हेल्दी। पानी जितना अच्छे तरीके से, जितना ज़रूरत है उतना पियेंगे तो हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। इट प्रोटेक्ट्स आर जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब देखो, जैसे हम हैंड मूव कर रहे हैं तो जहाँ से वो हम फोल्ड कर सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पर दो बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से जॉइंट है, जुड़ी हुई हैं, तो उसे हम जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट ऑफ बोन्स, जहाँ दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं। तो हैंड मूवमेंट है, आप लेग्स मूव कर पाते हो, नेक मूव कर पाते हो, सभी जगह पे जॉइंट्स हैं। तो वो जॉइंट्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं, किसकी वजह से? पानी की वजह से। इसीलिए वाटर, अब आप देख लीजिए कितना हमारी बॉडी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स जो है वो हमें करने हैं, जिसमें से ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, वाटर डजंट हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी। वाटर जो है वेस्ट निकालने में हेल्प नहीं करता, तो ये क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि वाटर हमारी हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रफेज हेल्प्स इन प्रिवेंशन फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में कि रफेज जो है वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट, मतलब रोकने में हेल्प करता है। तो ये क्या है? ट्रू है, सही बात है ये, इसीलिए ट्रू, टी, ठीक है, ट्रू आप फुल भी लिख सकते हैं, टी आर यू ई, और फॉल्स एफ ए एल एस ई, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद थर्ड, वाटर फॉर्म्स 60-70% ऑफ आर बॉडी वेट। यस, अगर एग्जैक्टली देखें तो 70% है, बट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो वाटर है वो हमारी बॉडी का जो है इतना पोर्शन जो है हमारी बॉडी वेट का वो पानी से मिलके बना होता है, राइट। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, यहाँ से हम देखेंगे, देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 आंसर दिए हुए हैं और इन 4 आंसर्स में से हमें करेक्ट आंसर जो है वो ढूंढ कर लिखना है।
तो एक बार हम अपना क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, डैश हेल्प्स इन कैरिंग डाइजेस्टेड फूड अराउंड द बॉडी। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी में सभी पार्ट्स में ले जाने में, डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन है वो क्या है, रफेज है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो इसका आंसर क्लियर कट क्या है, रफेज है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना कि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्ट करने में और सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, रफेज। तो इसका आंसर क्या है, पार्ट ए, रफेज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में हमें दिया हुआ है, डैश डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन इसमें से नहीं देती है? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। ऑप्शन है इसमें रफेज, कॉन्स्टिपेशन, प्रोटीन एंड विटामिन। एक क्लियर कट सा इसका आंसर है, रफेज बॉडी का न्यूट्रिशन देता है, प्रोटीन देता है, विटामिन देता है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कोई न्यूट्रिशन का नाम नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब जो खाना हजम नहीं हो उसका पेट में ही रुक जाना, वो बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी, पार्ट बी जो है हमारा इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।